सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमारी एक बहन रजनी बाला जो कि कल ड्यूटी के दौरान शहीद हो गई। और सबसे बड़ा इशू ये है कि अब हम वहाँ पिछले 12 या 13 साल से हैं, हमें नहीं लग रहा कि हम किसी अच्छी मेंटेलिटी से वहाँ जॉब कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग में टेंशन हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। आज हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट रहा और आगे भी प्रोटेस्ट हमारा कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। हमारी डिमांड गवर्नमेंट से यही है, गवर्नमेंट से क्या प्रधानमंत्री साहब से है, क्योंकि आज तो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी यहाँ पहुँचा नहीं जो हमें किसी भी टाइप का कोई आश्वासन दे सकता। अब हमें प्रधानमंत्री साहब से पूरा विश्वास है, उनके ऊपर पूरा भरोसा है। हम यही चाहते हैं कि हमें वहाँ से अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में एडजस्ट किया जाए, ताकि जो हम हमारी बची हुई ज़िंदगी है अपनी फैमिली के साथ आराम से रह सकें, क्योंकि वहाँ का तो अब ये नहीं लग रहा कि सुबह ड्यूटी जाएंगे तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, जैसे हमारी बहन के साथ हुआ। अच्छा, रैना जी ने तो वही कहा करेंगे, वो तो आगे भी यही बोलते हैं, मगर हमें तो भरोसा नहीं रहा अपनी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, एलजी साहब के ऊपर। अब हमें प्रधानमंत्री साहब से ही है कुछ, अगर वो हमारे लिए कुछ कर सके तो। और हमारी डिमांड फाइनल यही है कि हमें अपने घरों में वापस भेजा जाए, ताकि हम बची हुई ज़िंदगी आराम से अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ बसर कर सकें। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो हम लोग इस हादसे से अभी उभर ही नहीं पा रहे हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है। हमारे दिमाग पर जो प्रेशर पड़ा है ना, हम लोग अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ट्रेजेडी में हम लोग आ गए। और जहाँ तक डिमांड की बात है तो डिमांड हमारी एक ही है, हमने 15 साल बाहर दे दिए हैं, हमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाए ताकि बची खुची ज़िंदगी हम आराम से गुजार सकें। अदरवाइज़ पढ़ाना तो मुश्किल की बात है, वहाँ पर एक मिनट जो है वो भी सर्वाइव करना थोड़ा कठिन हो रहा है, बहुत मुश्किल है। तो जो जितने भी आपके साथ टीचर वहाँ लगे हुए थे इस कम्युनिटी के, वो सारे वापस आ गए वहाँ से? हाँ, आज तो सभी लोग आ गए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये अंतिम संस्कार में भी शामिल होना था, और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें कहा था कि आप अंतिम संस्कार में जाइए। बाकी ऊपर से जो LG की तरफ से या एडवाइज़र की तरफ से कुछ ऐसा आश्वासन नहीं मिला है कि आप क्या करें, तो हमारा यही उनसे अनुरोध है कि आप नहीं करते तो हमें बताइए, तो हम कहीं ऊपर जाके बैठें और जगह। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि सेव यार, हमें सेव कीजिए, हमें बचाइए, ताकि एक बाप एक माँ और ना हम खो दें। हमारी यही गुजारिश है।